हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं कॉशी सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस। हम यहाँ पे करेंगे इससे रिलेटेड एक डेफिनेशन। कॉशी सीक्वेंस होती क्या है सबसे पहले हम आपको वो बताएंगे, देन मैं आपको बताने वाली हूँ इससे रिलेटेड एक थ्योरम। व्हाट इज दैट थ्योरम? कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉशी सीक्वेंस। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉशी सीक्वेंस। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कॉशी सीक्वेंस होती क्या है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। xn इज अ कॉशी सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस xd। Then for epsilon positive, there exists n node belongs to n such that dxn xm is less than epsilon for all nm greater than equal to n node। देखिए ये कोई सीक्वेंस है आपके, ये सारे सीक्वेंस में मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ कि अगर यहाँ पे है कोई पॉइंट n node, मुझे मिल गया n node belongs to natural number n and m greater than equal to n node। इसके बाद की जो सारे टर्म्स हैं, n तक की जो टर्म्स हैं, इस सारे के बीच में क्या लाई कर रहा है n और m, ठीक है। इसके लिए हमें डी एक्स एन एक्स एम दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, मीन्स कोई भी दो पॉइंट्स इसके अंदर हम ले लेते हैं, एन और एम, एक्स एन और एक्स एम, कोई भी दो पॉइंट्स हम इसके अंदर ले लेते हैं तो उनका डिस्टेंस जो होगा बहुत ही स्मॉल सा डिस्टेंस होगा, दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। यू नो वेरी वेल कि एप्सिलॉन जो होती है वो बहुत ही स्मॉल 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 स्मॉलेस्ट सी टर्म होती है, और इन दोनों का डिस्टेंस जो मैं बात कर रही हूँ दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। तो वहाँ पर मैं क्या चीज़ बोलूँगी कि ये सीक्वेंस क्या है, कॉशी सीक्वेंस है when n m और n greater than equal to n not, ठीक है। ये कोई टर्म आ गई जैसे x1 आ गई, x2 आ गई, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन एक्स एन नॉट तक टर्म्स आ गई। उसके बाद की जो सारी टर्म्स हैं उनका जब वो डिस्टेंस होगा दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन, तो इस सीक्वेंस को मैं क्या बोल दूंगी, दैट इज अ कॉशी सीक्वेंस। क्लियर? कॉशी सीक्वेंस होती क्या है कि जब यहाँ पे ये सारी सीक्वेंस बन रही है, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया n not और यहाँ पे हमारा है एन एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए, ये जो बाकी सारे टर्म्स हैं ये उसके लिए हैं, और कोई भी दो पॉइंट्स मैं यहाँ से उठा लूँ, कोई भी दो पॉइंट्स, जैसे ये दोनों पॉइंट मैंने उठा लिए, कोई भी दो पॉइंट्स इनका डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, ये मुझे डिस्टेंस है, दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, तो मैं इसको क्या बोल दूंगी, दैट इज अ कॉशी सीक्वेंस। क्लियर? एक डेफिनेशन और इसकी ऐसे यूज हो जाती है, डी एक्स एन एक्स एन प्लस पी दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, वही चीज़ है। यहाँ पे हमने एन नॉट ले लिया था, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ठीक है। यहाँ पे हमने एन नॉट ले लिया, यहाँ पे वही एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन एन नॉट तक की टर्म्स हैं, और एन नॉट, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ये बाकी सारी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट की टर्म्स हो गई, और इसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया एक्स एन और दूसरा पॉइंट ले लिया एक्स एन प्लस पी, मीन्स मैं इसमें कुछ भी पॉजिटिव ऐड कर देती हूँ, कोई दो पॉइंट्स मुझे मिल जाते हैं, और जब इनका डिस्टेंस होगा दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हम इसको क्या बोल देंगे, दैट इज अ कॉशी सीक्वेंस। ये एक अनदर डेफिनेशन है कॉशी सीक्वेंस की। तो कॉशी सीक्वेंस होती क्या है, जब भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जो बाद में एन नोट से ग्रेटर दो पॉइंट्स है तो डिस्टेंस विल बी लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज अ कॉशी सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस। क्लियर? चलिए हम रिजल्ट करते हैं, एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस इज कॉशी सीक्वेंस। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो उसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ इन मैट्रिक्स स्पेस इज कॉशी सीक्वेंस। चलिए हम प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ में लेट एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हम वो सीक्वेंस को एक्स एन से नोट कर लेते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस है हमारे पास क्या है, एक्स एन हमने ले लिया कि एक्स एन जो है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है एक्स के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी की हुई है। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो होती क्या है, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट डी एक्स एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये होती है हमारे पास कन्वर्जन की डेफिनेशन। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, ये ऑलरेडी मैंने आपको करवाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस क्या चीज़ होती है, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट डी एक्स एन
x इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ये हमारे पास कहाँ से आया, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। बिकॉज ये xn जो है कहाँ पे कन्वर्ज करिए, x पॉइंट पे कन्वर्ज करिए, और जब xn की मैं x से डिस्टेंस लेती हूँ दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर 2। अगर मैं दो पॉइंट्स ले लूँ n एंड m, दो पॉइंट्स ले लूँ तो उससे क्या होगा, n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अगर मैंने ये यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लिए तो यहाँ पे देखिए मुझे सेम ऐसे ही मिल जाएगा, xn x विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, एंड दूसरा dxm x इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। मीन्स यहाँ पे इसके बाद n नॉट के बाद मुझे कोई भी पॉइंट मिलता है उस पॉइंट के लिए, अगर ये x को कन्वर्ज कर रही है तो मुझे वही चीज़ चाहिए, तो मैंने एक m ले लिया और एक n ले लिया, इस तरह से मैंने दो पॉइंट्स ले लिए। क्लियर, यहाँ पे n नॉट किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, और n एंड m जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट है। ये चीज़ क्लियर, ये देखिए यहाँ तक n नॉट है, देन हमने किया था कि n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए एक्स एन एक्स जो है डी एक्स एन एक्स जो है दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन, यही चीज़ थी। तो हमने क्या किया कि एक m पॉइंट पे यहाँ पे ले लिया, तो उसके लिए भी वही चीज़ ट्रू हो जाएगी, बिकॉज ये n n नॉट से ग्रेटर ही है m जो है, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करते हैं डी एक्स एन एक्स एम, बिकॉज हमने इसको कॉशी प्रूफ करना है, तो कॉशी के लिए हमें चाहिए क्या, हमने अभी इसकी डेफिनेशन की है, ये देखिए कॉशी के लिए हमें चाहिए क्या, एक्स एन और एक्स एम का डिस्टेंस दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज़ बना देती हूँ। जैसे ये आपने लिया और यहाँ पे आपने ये आपका एन नॉट है, और एन और एम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट है, ठीक है, एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है आपका एक्स एन और ये पॉइंट है आपका एक्स एम, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स एम। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है एक्स, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है एक्स, तो हमने एक्चुअली में होता क्या है, ये एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो यहाँ पे एक ओपन बॉल बनती है। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे एक ओपन बॉल बनती है, तो यहाँ ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक लाइन के ऊपर ड्रॉ करके इजी कर दिया आपके लिए। तो ये एक ओपन बॉल होती है, तो यहाँ पे एक एक्स एन पॉइंट है, यहाँ पे एक एक्स एम पॉइंट है, तो यहाँ से एक्स का डिस्टेंस इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। अब हमें चाहिए डी एक्स एन एक्स एम दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये क्या है, एक कॉशी सीक्वेंस है फॉर एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए, ठीक है। तो डी एक्स एन एक्स एम दैट विल बी लेस देन इक्वल टू डी एक्स एन एक्स प्लस डी एक्स एम एक्स। क्लियर, यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट एक्स लेती हूँ, अगर ये कोई पॉइंट एक्स आता है, तो जब मैंने डिस्टेंस फंक्शन की बात करनी है एक्स एन एक्स प्लस एक्स एम एक्स, इसको मैं एक्स एक्स एम भी लिख सकती हूँ या फिर एक्स एम एक्स लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं है, बिकॉज ये एक डिस्टेंस फंक्शन है मैट्रिक्स स्पेस में। हमने एग्जाम्स की बात की थी तो उसमें ये चीज़ होती है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, ये चीज़ तो होती है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ तब भी कोई इशू नहीं है, अगर आप एक्स एन एक्स और यहाँ पर अगर आप लिखते हैं एक्स एक्स एम तब भी कोई इशू नहीं है। अगर आप इजी करने के लिए इसको एक्स एन एक्स प्लस एक्स एक्स एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ क्या है, दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस ये चीज़ क्या है, ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, तो दिस मीन्स इक्वल टू एप्सिलॉन, मीन्स डी एक्स एन एक्स एम दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन मुझे मिल गया फॉर ऑल एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। फॉर ऑल एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए यहाँ पे ये देखिए, ये है आपके पास कॉशी की डेफिनेशन, एक्स एन एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो ये चीज़ मुझे मिल गई, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉशी सीक्वेंस मुझे क्या चीज़ मिल गई कि एक्स एन जो है वो क्या है, इज कॉशी। क्लियर, कहीं पे भी कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।